चाइना का सबसे खतरनाक फाइटर जेट J-20 आजकल दुनिया के निशाने पर आ गया है। दुनिया ये चाहती है कि चाइना के इस जहाज को वो बड़ी आसानी से मार गिरा सकती है, और चाइना जो अपने इस जहाज के बारे में दुनिया को डराता है, बताता है, वो सारी की सारी गलत चीजें हैं। दोस्तों, ताइवान ने चाइना को धमकी दी है कि वो किसी वक्त भी चाइना का J-20 फाइटर जेट मार गिरा सकते हैं। उनके पास ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से चाइना की सारी एयरफोर्स उनके सामने बिल्कुल फेल हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम ताइवान की धमकी जो चाइना की एयरफोर्स के लिए है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, चाइना की एयरफोर्स ने मॉक ड्रिल करना शुरू की थी, मतलब ये कि खुद ही दुश्मन के टारगेट सेट करना और अपने वेपन के जरिए उनको टारगेट बनाना ताकि अपने वेपन के बारे में चाइना अच्छे तरीके से मालूम कर सके और दुनिया को बता सके कि उसके पास कितने खतरनाक वेपन है। चाइना की एयरफोर्स ने भारत के राफेल तैयारों का डमी टारगेट बनाया और फिर उनको हिट किया ताकि भारत को चाइना डरा सके। इसी तरह ताइवान के बारे में भी चाइना की एयरफोर्स का कुछ ऐसा ही रवैया था। चाइना की एयरफोर्स ने ताइवान के F-16 की डमी पिक्चर बनाई, डमी टारगेट सेट किए और उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, और ग्लोबल टाइम ने पूरी दुनिया के अंदर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि 3 घंटे के अंदर अंदर चाइना ताइवान को अपने साथ मिला सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, जब ये बात ताइवान के प्रेसिडेंट को पता चली तो ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना की एयरफोर्स के लिए एक वार्निंग मैसेज छोड़ा और कहा कि हाल ही में ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने चाइना के फाइटर जेट सिखोई 30 को मार गिराया था और चाइना अपने फाइटर जेटों के ऊपर बड़ा नाज ना करे। जब भी चाइना का जहाज ताइवान की तरफ आएगा बगैर वार्निंग ही हम उनको मार गिराएंगे। जहां तक बात रही चाइना के J-20 फाइटर जेट की, तो ताइवान का यह कहना है कि उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से चाइना के सबसे खतरनाक J-20 फाइटर जेट को मार गिरा सकते हैं। 2017 से लेकर अब तक ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बारहा मरतबा चाइना के J-20 को इंटरसेप्ट किया है और उसको दोबारा खदेड़ दिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना के फाइटर जेट लगातार ताइवान की सरहद के अंदर घुसकर ताइवान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता रहा है, लेकिन ताइवान ने अपने फाइटर जेटों और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से चाइना के एक एक जहाज को इंटरसेप्ट किया है और वापस भागने पर मजबूर भी किया है। और ताइवान के प्रेसिडेंट ने आज एक क्लियर मैसेज छोड़ दिया है कि ताइवान का फाइटर जेट J-20 भी उनके निशाने पर है। जब भी ताइवान की सरहद क्रॉस करेगा बगैर वार्निंग ही ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के J-20 फाइटर जेट को मार गिराएंगे। नाज़रीन ग्रामी, चाइना लगातार मॉक ड्रिल करके ताइवान को डरा रहा था, धमका रहा था, F-16 की डमी एक टारगेट सेट करके चाइना की एयरफोर्स अपने J-20 से उसको टारगेट बनाकर ताइवान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना की एयरफोर्स का सारा बांडा फोड़ दिया है।